टुडे इज 27th ऑफ दिसंबर. आप सब लोगों को जय मसीह की. द थीम ऑफ आवर वर्शिप दिस मॉर्निंग इज फैमिली लाइफ. लेट अस प्रे. प्यारे खुदावंद, हम तेरे सामने अपने सरों को झुकाते हैं. हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना में, हमारी आराधना में आप हमारे साथ हो. आज का वचन पढ़ना, गाने गाना और सब काम जो हम आज करें वो तेरी तरफ से हो, ताकि खुदावंद हम सब तेरी तारीफ गा सकें, तेरे नाम को जलाल बख्श सकें और खुदावंद उससे कुछ पा सकें, तेरे वचन को समझ सकें और तुझसे बरकतें पाने वाले बने. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. ये समय होगा कि हम अपना पहला गीत गाएंगे. जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कोविड महामारी ने पूरे वर्ल्ड को पकड़ रखा है और सारा वर्ल्ड सबको सूचित कर रहा है कि भाई आप दूरी मेंटेन करें, आप मास्क पहनें और आप अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि ये महामारी है और ये खतरनाक बीमारी है और अभी इसकी दवाई भी नहीं आई है. इसलिए हम सबको गुजारिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन चर्च सर्विस में जुड़े रहें और चर्च के अंदर सीटिंग कैपेसिटी भी वैसे भी 38% की है. तो जो भी सर्विस हमारी होती है उसमें हम आपको सूचित कर रहे हैं और उस सर्विस में 38% आ सकते हैं. उसके बाद चर्च का दरवाजा जो है वो लॉक कर दिया जाएगा. इसलिए आप लोग जो हैं वो ये ध्यान रखें कि आप अपने पहले अपने रजिस्ट्रेशन कराएं. मिसेस अनुश्री दास को हमने ड्यूटी सौंपी है कि वो सबके नाम और नंबर को रजिस्टर करेंगी और एज भी देखेंगी कि कौन कौन आ सकता है, कौन कौन नहीं आ सकता. जिनको कोई बीमारी है, जैसे कि एसओपीज में मेंशन है, वो बीमारी वाले लोग भी चर्च ना आए. सारे वृद्ध लोग जो 60 साल से बड़े हैं वो ना आए, जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं वो भी ना आए. और आप सबकी सुरक्षा को देखते हुए और जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उनको देखते हुए हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि हम आपके सामने चर्च की एक अच्छी ऑनलाइन सर्विस पेश कर सकें. द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द लव ऑफ गॉड एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विद यू ऑल. Almighty God, to whom all hearts open, all desires known, and from whom no secrets are hid, bless the thoughts of our hearts by the inspiration of the Holy Spirit, that we may perfectly love you and may boldly magnify your holy name, through Christ our Lord. Amen. Glory to God in the highest,
and he says, people are not. Lord God, Heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, Holy Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father, receive our prayer. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी ओल्ड टेस्टमेंट की रीडिंग ज़करिया नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 3-6 आयत और मिस्टर करुणा वत्स इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। अब मैं आपके सामने पढ़ूंगी ज़करिया नबी की पुस्तक अध्याय 8 वचन 3-6। ज़करिया नबी की पुस्तक अध्याय 8 वचन 3-6। यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ और यरूशलम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलम की सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, यरूशलम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी, और नगर के चौक खेलने वाले लड़के और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी अनोखी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब भजन की पुस्तक में से पढ़ेंगे भजन 128 और मिस्टर अशोक दास इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। की पुस्तक भजन संहिता उसका 128वां अध्याय 1-6 तक। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा तो धन्य होगा और तेरा भला भी होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री बलवंत लतासी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम पर कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इसराइल को शांति मिले। ये प्रभु का वचन है। We will listen from the New Testament reading taken from the book of Colossians chapter 3 verse 12 to 21 and Mr. Samrit Mukha will lead us in the reading of the text. The reading has been taken from the chapter of Colossians. Colossians chapter 3 verse 12 to 21. Since God chose you to be the holy people whom He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness and patience. You must make allowance for each other's faults and forgive the person who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. And the most important piece of clothing you must wear is love. Love is what binds us together in perfect harmony. And let the peace that comes from the Christ rule in your hearts. For as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. Let the words of Christ and all their richness live in your hearts and make you wise. Use His words to teach and counsel each other. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. And whatever you do or say, let it be as a representative of the Lord Jesus, and all the while giving thanks through Him to God the Father. Your wives must submit to your husband,
as is fitting for those who belong to the Lord. And you husbands must love your wives and never treat them harshly. You children must always obey your parents, for this is what pleases the Lord. Fathers, don't aggravate your children. If you do, they will become discouraged and quit trying. Here ends the reading. The Holy Gospel is found written in the Gospel according to St. Luke, chapter 2, verses 21 to 40, and Mr. Ronald Simon will lead us in the reading of the text. The Holy Gospel is taken from the Gospel according to St. Luke, the second chapter, verses 21 through 40. Glory be to thee, Lord Jesus. St. Luke, chapter 2, beginning at verse 21. And at the end of 8 days, when he was circumcised, he was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. And when the time came for their purification according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every male who first opens the womb shall be called holy to the Lord, and to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or two young pigeons. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simon, and this man was righteous and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, he took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now you are letting your servant depart in peace, according to your word. For my eyes have seen your salvation, that you have prepared in the presence of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles, and for glory to your people Israel. And his father and his mother marveled at what was said about him. And Simeon blessed them and said to Mary his mother, Behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel, and for a sign that is opposed, and a sword will pierce through your own soul also, so that thoughts from many hearts may be revealed. And there was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived with her husband 7 years from when she was a virgin, and then as a widow until she was 84. She did not depart from the temple, worshipping with fasting and prayer night and day. And coming up at that very hour, she began to give thanks to God and to speak of him to all who were waiting for the redemption of Jerusalem. And when they had performed everything according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own town of Nazareth. And the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. This is the gospel of Christ. Praise be to thee, Lord Jesus. ये समय होगा कि हम सब खड़े होकर अपना दूसरा गाना गाएंगे। Hallelujah.
Let us bow down our heads in prayer. May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. हम देखते हैं जैसे कि आज की गॉस्पल रीडिंग में हमने पढ़ा कि यीशु जो थे वो अपनी बर्थ के बाद उनका सर्कमसीजन हुआ और फिर उनके मां बाप ने मेरी एंड जोसेफ ने प्यूरिफिकेशन की अपनी सेक्रीफाइस को चढ़ाया और उन्होंने रिडेम्पशन फॉर द फर्स्ट बॉर्न की एक्सरसाइज को किया। हम देखते हैं वहां पर तीन टाइप के कस्टम्स थे, वो सेरेमनीज तीन टाइप की जो थी वो ये थी। पहला था सर्कमसीजन यानी खतना करना, दूसरा रिडेम्पशन ऑफ द फर्स्ट बॉर्न, क्योंकि फर्स्ट बॉर्न जो लोग थे वो बच्चे खुदा के कहलाते थे एंड इसलिए उनके लिए एक ऑफरिंग करनी पड़ती थी और वो ऑफरिंग अगर पैसे वाला इंसान है तो वो एक लैम और एक पिजन की ऑफरिंग किया करता था। ये सब हम देखते हैं लेविटिकस की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में। लेविटिकस 12 उसकी 8वीं आयत में क्लियरली लिखा है कि अगर इंसान जो है वो ऑफरिंग करने आ रहा है प्यूरिफिकेशन की, रिडेम्पशन फॉर द फर्स्ट बॉर्न की, तो वो एक लैम देगा वर्ल्ड ऑफरिंग की तरह और एक पिजन देगा। मगर अगर वो पुअर इंसान है तो लैम की जगह पर पिजन को रिप्लेस कर देगा यानी दो पिजन देगा। और हम देखते हैं यीशु की जब खतना हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया तो रिडेम्पशन ऑफ द फर्स्ट बॉर्न की सेरेमनी के तहत उन्होंने जो सेक्रीफाइस ऑफर की वो रियल में इन टेक्निकली कॉल्ड द ऑफरिंग ऑफ द पुअर, उन्होंने पुअर की ऑफरिंग को ऑफर किया। तो हम देखते हैं कि यीशु बहुत ही ऑर्डनरी से घर में से आए थे, वो एक ऐसे घर में जन्मे जिनके मां बाप जो थे बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। देयर वॉज नो लग्जरी, देयर वॉज एवरी पेनी काउंटेड, यानी मतलब एक एक पैसे को वो हिसाब से यूज किया करते थे। यीशु वॉज इन अ हाउस वेयर डिफिकल्टी दे न्यू वेरी वेल, यानी मतलब जब हमारे पास पैसा नहीं होता हमारे पास डिफिकल्टीज होती हैं तो हम कई बार बड़े दुखी होते हैं। मगर खुदावन कहता है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो उन डिफिकल्टीज में भी पार निकल जाते हैं और उनको किसी बात की कमी भी नहीं होती क्योंकि उनके माइंड सेट चेंज हो गए हैं। और ऐसे ही बहुत से लोग जो थे वो खुदावन में भरोसा करने वाले लोग थे, वो क्वाइट लाइफ बिता रहे थे। दूसरी चीज, यीशु को पता था कि व्हाट आर द हॉन्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, इसलिए वो हर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर हमारी मदद कर सकते हैं। जब किसी को जिंदगी दुख देने लगती है और वो डिफिकल्ट टाइम से गुजरता है कि किस प्रकार से वो अपने एंड्स को मीट करें, देन अ पर्सन लर्न्स डिसिप्लिन। खुदावंद हम सबको चाहता है कि हम डिसिप्लिन लोग बने, हम बुद्धिमान लोग बने, हम प्रॉब्लम से घबराएं, प्रॉब्लम के अंदर से संभल के निकलने की अकल समझे, क्योंकि जिंदगी खुदावंद हमें चाहता है कि हम सीखने वाले लोग बने, क्योंकि जिंदगी हमें बहुत सी चीजें सिखाती है और खुदावंद चाहता है कि हम सीखने वाले लोग बने। जो बुद्धिमान लोग थे स्टोइक्स उस समय के, वो इन प्यूरिफिकेशन की सेरेमनी के बारे में कुछ कहते थे। वो कहते थे कि बच्चा जो है खुदावंद की एक गिफ्ट है जो कि खुदावंद ने लोगों को दी और उस बच्चे को उसने सिर्फ लैंड किया है, यानी मतलब कोई लोन दे दिया है और आपको उस बच्चे को ऐसा बनाना है हर एक माँ बाप को कि वो सच में खुदावंद के लिए एक गिफ्ट बने। क्या हम अपने बच्चों को खुदावंद के लिए गिफ्ट बना रहे हैं? क्या हम खुद खुदावंद के लिए गिफ्ट बन रहे हैं? खुदावंद हमसे चाहता है कि हम उसके योग्य वर्षित पाए, तो क्या हम खुदावंद की वो मनसा को पूरा कर रहे हैं? टुडेज थीम इज फैमिली लाइफ।
क्या हम एक सच्चे फैमिली की तरह जी रहे हैं? क्या हम एक दूसरे की सुधि ले रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, एक दूसरे की तमारदारी कर रहे हैं? हमने पिछली बार पिछले संडे सुना कि एक फोर्थ वाइफ मैन था और उसका नाम अर्थमान था और वो जो था वो कैसे किसी की तमारदारी में लग गया, तो लेट हो गया, कैसे उसने एक छोटे बच्चे को बचा लिया जब वो बैतलहम पहुंचा जहां पर यीशु इनमे थे, वहां पर से वो जा चुके थे, और कैसे उसने दूसरे को बचा लिया, और कैसे उसने एक लड़की को जिसको बेचा जा रहा था उसको बचा लिया, और जब वो उसके खपरेल उसके सर पे लगी तो मूर्छित हो गया और उसने कहा कि खुदा मैं तो तेरे को कोई भी दुख नहीं दे पाया। हेवन से आवाज आई, वेरली आई से अनटू यू व्हाट यू डिड अनटू द लीस्ट ऑफ योर ब्रदर यू डिड इट अनटू मी। हम देखते हैं जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ उन दिनों में इज़राइल के अंदर एक फीलिंग आ गई कि राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है। एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन सबके अंदर आ गई कि वो एक्सपेक्ट करने लगे कि अब परमेश्वर अपने चैंपियन को भेजेगा और वो उसकी बहुत आतुरता से डिजायर कर रहे थे। वो जानते थे कि वी आर द चोजन रेस। अब्राहम को खुदावन ने बुलाया और उसने उसको ब्लेस किया तो हम उसके चुने हुए बेटे और बेटियां हैं, वो जानते थे। मगर इस समय वो रोमन्स के अंदर दबे हुए थे और रोमन्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, तो वो एक एक्सपेक्टेशन श्योरली उनके अंदर बहुत ज्यादा था कि हम अपनी ताकत से नहीं बच सकते, हमें बचाने के लिए कोई चैंपियन प्रभु ही भेजेगा और वो चैंपियन मसीहा। और सच में प्रभु ने चैंपियन को भेजा क्योंकि वो दुश्मन रोमन्स को समझ रहे थे, मगर उनका सच्चा दुश्मन उनका अपना गुना। आज भी हमारा सच्चा दुश्मन हमारे अपने गुना है, अपनी सुस्ती है, किसी दूसरे के लिए ना करना। अगर किसी का कुछ काटना होगा तो हम 36 कोशिश करेंगे, मगर अगर किसी को कुछ देना होगा हम एक कोशिश नहीं करेंगे। परमेश्वर कह रहा है तुम देने वाले लोग बनो, हम उल्टा बन के लेने वाले लोग बन गए। खुदावन मुझे और आपको कहता है तुम लोग सीखो, मुझसे सीखो। माय लव इज केनोसिस। केनोसिस मींस एम्प्टीइंग वन्स ओन सेल्फ। उसने अपने आप को खाली कर दिया, उसने अपना कुछ भी नहीं छोड़ा। ही गेव द प्राइस विद हिज प्रेशियस ब्लड। उसने अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया और उसकी भी कीमत नहीं जानी। परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है वी आर नॉट बॉट विद सिल्वर एंड गोल्ड विच पैरिशर। सिल्वर और गोल्ड के लिए वो कहता है जो कि पैरिश हो जाता है, बट वी हैव बीन बॉट विद द प्राइस द प्रेशियस ब्लड एंड बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यानी हमारे लिए उसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। हम भी एक दूसरे के लिए करने वाले बने, और अगर हम ये नियत नहीं रखते तो खुदावंत जो है हमसे कुछ बात करना चाहता है। अगर हम देखें बहुत से लोग तो मिलिट्री पार्ट चाहते थे, बहुत से लोग एक अथॉरिटेटिव लीडर चाहते थे, मगर बहुत और भी ज्यादा लोग क्वाइट लाइफ चाहते थे। वो जानती में परमेश्वर की वर्शिप करना चाहते थे, उनको कोई पॉलिटिकल पार्ट की चिंता नहीं थी, उनको परमेश्वर के वचन और उस पर चलने की चाहत थी। और सबसे अच्छे और नेक लोग वही होते हैं जिनकी चाहत कोई पॉलिटिकल पार नहीं है, उनकी चाहत परमेश्वर के वचन पर चलना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब ये सब चीज छोड़ के चले जाते हैं और जो हम लेके जाते हैं वो हमारा विश्वास लेके जाते हैं, एंड दैट विश्वास जो है वो लीड यू टू हेवन और हेल। इसलिए परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते चले जाए, उसके वचन की गहराई में बढ़ते चले जाए। जब सिमियोन एक आदमी था वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था और होली स्पिरिट की ताकत से उसको ये वरदान मिला कि जब तक तू परमेश्वर के चुने हुए अनॉइंटेड किंग को नहीं देखेगा तुझे मौत नहीं आएगी। और सिमियोन मंदिर में बैठा हुआ था, वो रेगुलर उस जेरूसलम के बड़े भव्य मंदिर में बैठकर राह देखता था कब वो बच्चा आएगा खतना करने या उसे लाया जाएगा, क्योंकि जब तक मैं अनॉइंटेड किंग को नहीं देखूंगा मैं इस वर्ल्ड में से जाऊंगा नहीं।
तो ये किसने मोमेंट दी उसको? खुदावन की आत्मा ने उसे बता दिया। और तब जब यीशु वहां खतने के लिए ले आया गया, उसके माँ बाप उसको खतने के लिए लाए, तब सिमियन उसे देखकर अंदर तक मंत्रमुग्ध हो गया और उसने कहा, टुडे इज द डे ऑफ सेलिब्रेशन, मैंने परमेश्वर के उद्धार को देख लिया है, दिस इज द अनॉइंटेड किंग। और उसने कहा, ही शैल बी द कॉज वेयर बाय मेनी विल फॉल। अब एक राजा उत्पन्न हुआ है एंड ही, उसने कहा ही शैल बी द कॉज वेयर बाय मेनी विल फॉल। इसका मतलब क्या है? लोगों ने सोचा इसका मतलब होगा कि वह बहुतों को काट कुट के गिरा देगा। नो, उसका मतलब जो था वो ये था कि बहुत से लोग इसलिए गिर जाएंगे कि वो परमेश्वर के माइंड सेट को नहीं समझेंगे। परमेश्वर का माइंड सेट कहता है कि तू दूसरों के लिए कुछ कर। परमेश्वर का माइंड सेट कहता है कि तू परमेश्वर के दासों की इज्जत कर। परमेश्वर का माइंड सेट कहता है कि तू एक दूसरे की बुराई मत कर। परमेश्वर का माइंड सेट कहता है तू परमेश्वर की स्तुति कर। हम परमेश्वर की स्तुति कम करते हैं, दूसरों की बुराई ज्यादा करते हैं। हम परमेश्वर के लिए सर्वस्व उछावर कम करते हैं और दूसरों को सिखाने चल देते हैं जबकि हमने खुद नहीं सीखा। परमेश्वर मुझे और आपको पुकार कर कहता है, लिसन टू व्हाट सिमियन इज सेइंग, ही विल बी द कॉज वेयर बाय मैनी विल फॉल। Why will many fall? Because they will be unmoved with no compassion. यानी परमेश्वर कह रहे हैं, you have to be moved with compassion. आपको दूसरे के लिए compassionate होना है, दूसरे की concern करना है। और खुदावंद हम सबको कह रहे हैं कि ऐसी witnessing life जियो ताकि आपकी witness दुनिया भर में फैले, ताकि लोग तुम्हारे अच्छे काम को देखकर पर मेरे बाप की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। आप खुदावन हमारे प्रभु परमेश्वर की तारीफ करने वाले बने हमारे अच्छे कामों को देखकर। दैट इज द डिजायर ऑफ गॉड। तो सिमियन ने कहा ही विल बी द कॉज वेयर बाय मेनी विल फॉल। फिर उसने आगे बढ़ा और कहा ही विल बी द कॉज whereby many will rise। अब इसका मतलब क्या है? ये वो है जिसकी द्वारा बहुत से राइज अप हो जाएंगे। अब वो कौन? बहुत से तो मुर्दे ही उसने जिला दिए, राइज अप हो गए। जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो बाइबल में यूं लिखा है कि कई मुर्दे जो थे उनकी कब्रें खुल गई और जब वो जी उठा तो कई मुर्दे जो कि 20-20 साल पहले से मरे हुए थे वो भी राइज अप हो गए। He could see that he will be the cause whereby many will rise, and then he will be the cause. अगर इसको देखें कि many will rise, जब Mount of Transfiguration पे Peter, James and John, जब परमेश्वर का बादल छाया और एक आवाज आई तो सारे के साथ से मूर्छित होकर गिर गए। और परमेश्वर ने, यीशु ने, he did not fall, he lifted them up. He will be the cause whereby many will rise. आज भी परमेश्वर हमें गुनाहों से बचाने के लिए गड्ढे में से निकालने को तैयार है। He will bring us out of sin into goodness. He will bring us out of old life into new life. He will bring us out of shameful things into glorious works. That is what God is going to do. So Simeon could see, he is the cause whereby many will fall, he is the cause whereby many will rise. And Simeon could see that he would meet with much opposition. Ab opposition se kya matlab hai? Yeshu ke saath ya tum uske saath hai ya tum uske opposed hai, yani ya tum uski marzi par chal rahe hain या हम उसकी मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं। आपको अपने जीवन को खोज के देखना है, क्या हम उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं? खुदावन की मर्जी क्या है? खुदावन की मर्जी चर्च के लिए है कि जब मैं तुम्हारे पास अपने आत्मीय भेजूं तो तुम उसकी सुनना और उनकी मानना। और
कई बार हम एग्जैक्टली ऑपोजिट कर देते हैं. दिस इज अगेंस्ट द विल ऑफ प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड. ही विल मीट मच ऑपोजिशन मींस तब भी उसको बहुत से लोग अपोज कर रहे थे, आज भी बहुत से लोग उसकी प्लानिंग को समझ नहीं पा रहे हैं. परमेश्वर कह रहा है एक दूसरे को माफ करो, मैं एक दूसरे को माफ ही नहीं कर पा रहे. क्रिसमस मना रहे हैं मगर माफ नहीं कर पा रहे. दिल से वही काले के काले हैं, दिल से वही हार्ड हार्टेड है, दिल से वही किसी का नुकसान तो कर देंगे फायदा नहीं करेंगे. ऐसे हैं. और अगर हम ऐसे हैं तो हमारा प्राइड जो है, फॉल्स प्राइड इज मेकिंग अस स्टबल, और उसकी वजह से इट इज नॉट लेटिंग अस हैव द विक्ट्री. विक्ट्री जो प्रभु हमें दिलाएगा, जो जीत हमें प्रभु दिलाएगा, वो जीत माफी की जीत है. अगर आप किसी को माफ कर देते सच में दिल आपका टेंशन नहीं रहती. कभी किसी को माफ करके देखे, माफ कर दें तो आप पुरानी बातों को याद भी नहीं करेंगे. जब माफ कर दिया तो पुरानी बातों को याद ना करें. जो हो गया bygones are bygones. Live a dream life. And that is what Christ is wanting us to do. Have a family life. Church is a big family. उसमें कई बार हमें किसी से चोट लग जाती है, कई बार किसी को पास्टर की किसी स्टेटमेंट से चोट लग जाती है. तो माफ करें एक दूसरे को, और तब परमेश्वर कहता है then you will be a victorious person. पर हमारा ईगो एनी जो है वो हमें ये करने नहीं देता. शैतान ने हमारे अंदर एक ऐसा चीज फिट कर रखी है, मेरा अहम, और उस अहम के कारण मैं अपने ओपोनेंट को माफ नहीं कर पाता. और जब मैं माफ नहीं कर पाता तो मैं खुदा की जो कमांड है उसको पीछे छोड़ देता हूं. देयरफोर बाइबल में लिखा है मूसा तुम्हारे खिलाफ क्या होगा, खड़ा होकर तुम्हारे खिलाफ विटनेस देगा. क्योंकि जिसकी बात मानने के लिए मूसा अपना सब कुछ छोड़ के निकल गया, वो परमेश्वर तुम्हारे बीच में है. और उसकी कमांड ये है लव वन अनदर इवन एज आई हैव लव्ड यू. सो लेट अस ग्रो इन फैमिली लाइफ, लेट अस लव वन अनदर, लेट अस लिव इन सच अ वे दैट वी मे बी द वन वेयर बाय Many will rise. यानी मतलब हम वो मौजूदगी खड़े हो गए, और तब खुदावंत हमें ऐसी बरकत देगा कि वाइल वी आर येट स्पीकिंग, अभी हम मांग ही रहेंगे खुदा हमारी सुन देगा. That is what is the relationship of God. Jesus कहता है अगर तुम मेरे पथ पे चलोगे तो तुम मांगोगे और तुम्हें मिलेगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा. प्रभु आप सबके साथ हो एज वी प्रिपेयर ourselves फॉर येट अनदर ईयर. मे द लॉर्ड हेल्प अस एंटर दिस ईयर. 2021 आने वाला है, खुदावन हमें एंटर करने में मदद करे ताकि हम अभी से प्रिपेयर करने लगे अपने आप को 2021 के लिए. और खुदा से दुआ करें कि 2021 ऐसा अच्छा है कि उसके अंदर कोविड जाता रहे और सब चीजें सबसे फिर से चलने लगे. क्योंकि कोविड ने हमें मार रखा है, कोविड हमें बहुतों को मार चुका है और बहुत जो है उससे इन्फेक्टेड है, और हमें चाहिए कि दूसरे को बचाएं. इसीलिए चर्च में हम ऑनलाइन सर्विसेज के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो मे द लॉर्ड कंटिन्यू टू ब्लेस एंड कीप अस. लेट अस प्रे. प्यार नहीं खुदावंद हम तुझसे दुआ करते हैं, कोविड के चलते हम लोग पूरी तरह से नहीं मिल पाते, चर्च भी खुदावन पूरी रिस्ट्रिक्शंस के साथ, पूरे एसओपीस के साथ और गवर्नमेंट गाइडलाइंस के तहत खुलता है. और प्रभु परमेश्वर हम चाहते हैं कि फिर से कुछ शुक्र भी आए, नया साल के लिए हमें प्रिपेयर करें, और नए साल में आए प्रभु कि आप इस बीमारी को खत्म करें ताकि हम सब फिर से अपने जीवनों में लग सकें. मगर जब तक बीमारी की दवा नहीं आती, जब तक कोई इलाज नहीं है, तब तक हमें ढिलाई भी नहीं बरतनी है. इसलिए खुदावन तेरा वचन कहता है कि तुम जब तक परमेश्वर का गुस्सा चला न जाए अपने घरों में छुपे रहो. तो हम अपने को छुपाएं. हाँ खुदावन हम गाना भी गाते हैं, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा.
हम दूसरों को भी बचाने वाले अच्छे और नेक लोग बने, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड के चलते हम लोग वैसी चर्च सर्विस नहीं कर पा रहे जैसे कि हमें करनी चाहिए, जैसे कि हमारी होती थी पहले, और अब चर्च में सोशल डिस्टेंसिंग होती है, कहीं मास्क पहन के आना पड़ता है, ये सब चीजें आपको अब कोई नई चीज नहीं है, ये सब कुछ आपको पता है किस प्रकार से सबको मास्क पहन के आना है। हर अल्टरनेट बेंच चर्च का बंद कर दिया गया है और एक बेंच में सिर्फ दो ही इंसान बैठ सकते हैं, आपको सारी कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और ये तरह तरह की चीजें हैं, वॉलंटियर्स आपके थर्मामीटर से आपके टेम्परेचर को चेक करते हैं, सारे चर्च को सैनिटाइज किया जाता है, ये सब चीजें आपको पता है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप लोग ऑनलाइन सर्विसेज में जुड़े रहें और प्रभु आप सबके साथ हो, ताकि हम खुदा की सच्ची सर्विस करने वाले अच्छे और नेक लोग बने। ये समय होगा कि हम अपना दूसरा गाना गाएंगे। Yeah.
सब लोग अपने हदिये को अपने अपने घरों पे कलेक्ट कर लें और उसको चर्च के ऑनलाइन अकाउंट पर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश करते हैं कि जो लोग जहां पर बैठे हैं वो सब अपने हदिये को डोनेशन बॉक्स में बाहर जाते समय डाल दें। और जो लोगों को अपना ऑनलाइन ट्रांसफर करने में मुश्किल होती है वो क्रॉस चेक बना के चर्च पे देके जा सकते हैं। और अगर उनको उसमें भी मुश्किल होती है वो अपने कैश को मिस्टर सलीम को जो चर्च पे मिलेंगे आपको देके जा सकते हैं। आप जो भी आप अपनी डोनेशन और अपना हदिया दे रहे हैं आप उसको चर्च के अकाउंट्स रजिस्टर में एक रजिस्टर वहां पे रख दिया गया है उसमें आप लिख दें और उतना ही अमाउंट आप सलीम भाई को पकड़ा दें और फिर वो जो है अमाउंट जो है वो इट विल बी हैंडेड ओवर टू द ट्रेजरर एंड ट्रेजरर विल इश्यू द रिसीट्स एंड यू कैन टेक बैक द रिसीट्स फ्रॉम मिस्टर सलीम। जैसा कि आप जानते हैं कि एवरी वेडनेसडे हमारे चर्च में एक कॉर्पोरेट बाइबल स्टडी होती है और उस बाइबल स्टडी का लिंक हम आपको भेजते हैं। दैट लिंक इज ऑन द स्क्रीन। आप उस लिंक पर कनेक्ट करें और प्रभु की वचन को बहुत से गहराई से हम पढ़ते हैं। आप सब लोग उसमें ज्वाइन करें, आप खुद भी ज्वाइन करें, दूसरों को भी आप आमंत्रित करें कि वो भी ज्वाइन करें क्योंकि परमेश्वर का वचन सबके लिए है। तो हम चाहते हैं सबके सब उस वचन में आए। हमारी रेगुलर ऑनलाइन जूम प्रेयर मीटिंग्स होती हैं और आप जब भी अपने फैमिली की इंडिविजुअल प्रेयर मीटिंग करना चाहते हैं प्लीज गेट इन टच विद मी। बट ऑन वेडनेसडेज वी हैव अ कॉर्पोरेट प्रेयर मीटिंग, अ कॉर्पोरेट बाइबल स्टडी और उसमें आप सब लोग ज्वाइन करें। हम आप सब से गुजारिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन सर्विस में चर्च में जुड़े रहें। प्रभु आप सबके साथ हों। आई विल रिक्वेस्ट मिस अनिशा सरन टू लीड अस इन आवर इंटरसेशंस। In our intercession, let us join our prayer for whole human family with the unceasing prayer of Christ the Lord. Heavenly Father, we pray for justice and peace in the whole world and for fullness of life for everyone. Lord, in your mercy, hear our prayers for all who live in this place, for the removal of all that divides us from each other and for true harmony in our country. Lord, in your mercy, hear our prayers for all engaged in agriculture, industry and commerce, for all workers, skilled, unskilled, and for all those who defend our country. Lord, in your mercy, hear our prayers for teachers and students, scientists, artists and writers, and for all who influence the minds and heart of others. Lord, in your mercy, hear our prayers for those who are suffering, the poor and the hungry, the destitute and oppressed and unemployed, the sick and dying, and for all who help them. Lord, in your mercy, hear our prayers for all to whom authorities is entrusted in this and other countries, and especially for our President, the Prime Minister, the Governor and Chief Minister of this state, and for all who have power over people. Lord, in your mercy, hear our prayers for the unity of Christian people and for their witness and service in world. Lord, in your mercy, hear our prayers for your whole church in our country, for its councils and leaders, especially for our moderator of Church of South India, Metropolitan of the Mar Thoma Church, for our bishop and for our presbyter and for all other ministers of your church, that they may be faithful in their ministry. Lord, in your mercy, hear our prayers that with all your people who have faithfully served you in this life, we also may share in the eternal joy of your kingdom. Lord, in your mercy, hear our prayers. Hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom and grant these petitions which we offer in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. आए अजीजों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। द
तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है, दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि वह हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की जिंदगी को बचाए। इसलिए आइए हम तौबा और ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें, हम खुदा के फजल से उसके हुक्म को मानने का और सब लोगों के साथ मेलो मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। तमाम कुदरत का खुदा उन सबको माफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वह हम पर रहम करे, हमें हमारे गुनाहों को बख्शे और उन सबसे हमको रिहाई दे, नेकी में हमको मुस्तक को मजबूत करे और हमें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे, हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से। Let us stand for the peace. We are the body of Christ. In the one spirit we were all baptized into one body. Let us pursue all that make for peace and builds up our common life. The peace of the Lord be always with you. Come on.
Cyril Peter James to lead us in prayer for the offering. प्रभु जी धन्यवाद, तेरा धन्यवाद देता हूँ सारी आशीषों के लिए मेरे प्रभु, विशेषकर आज के लिए, आज की इस प्रार्थना सभा के लिए प्रभु, कि हम आज की इस प्रार्थना में शामिल हो सके और तेरा शांतिदायक, प्रेरणादायक और प्रभु जी आशीषों से भरे हुए वचन को सुन सके और प्रभु जी तेरी आत्मिक बातों को हम लोग समझ सके। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। अपने दास को प्रभु जी, जिसके द्वारा तूने वचन दिया, उस पर तेरी आशीष हो मेरे प्रभु, कि हम प्रभु उन बातों को समझने वाले और उन पर चलने वाले बन सके, तेरे वचन को समझने वाले बने मेरे प्रभु जी और औरों तक फैलाने वाले बने। तूने कहा है मेरे प्रभु जी कि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। मेरे प्रभु तेरी महिमा के कारण बनने पाए हम लोग। तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी उन तमाम आशीषों के लिए तूने दी प्रभु जी, और जो तूने हमें दिया उसी में से प्रभु जी हमने तुझे दिया, ये दान दिया है मेरे प्रभु। जिन भंडारों से ये पहुंचा है प्रभु जी, उन सब भंडारों पर तेरी आशीष हो, और जिस भंडार में पहुंचा है मेरे प्रभु जी, उस भंडार पर तेरी आशीष हो, भले काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाए मेरे प्रभु। हम लोगों ने तेरे जन्म दिवस को मनाया 25 दिसंबर को मेरे प्रभु, तेरी जयंती मनाई ख्रीस्त जयंती मेरे प्रभु, हम सब बहुत खुश थे, चर्च में चर्च सर्विस हुई मेरे प्रभु, लोग आए और तेरे नाम के भजन गाए मेरे प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, तेरा जन्म हमारे जीवनों में कार्य करे, तेरा होना प्रभु जी हमारे जीवनों से प्रकट हो। ये साल गुजरा जाता है और नव वर्ष आने वाला है मेरे प्रभु, काश कि हम में से प्रत्येक जन अपने आप को जांचे कि हमने इस साल में क्या किया और कितना प्रभु जी तेरी ओर हम और बढ़ पाए। आने वाले दिनों में हमारा सहायक और ये नव वर्ष हम सब के लिए हर्ष और उल्लास का कारण बनाना, और हम सब प्रभु जी मिलकर तुझे महिमा देने वाले बन सके। इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। The Lord is here. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. आए कुदूस बाप, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के मालिक और अजली खुदा, यह ना सिर्फ मुनासिब बल्कि हमारा फर्ज और खुशी भी है कि हम हर बात और हर जगह तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले तेरा शुक्र और तमजीद करें। वही तेरा सच्चा और जिंदा कलाम है, उसी के वसीले तूने शुरू ही से तमाम चीजें पैदा की और हमें अपनी सूरत पर बनाया, उसी के वसीले तू दुनिया में हर आने वाले इंसान को रोशन करता है, और हर जमाने में तूने नबियों और दानाओं को भेजा कि वे तेरे बंदों को तेरी तरफ रजू कराएं, उसी के वसीले तूने हमें गुनाह से छुटकारा बख्शा है, वह हमारे लिए इंसान बना, हमारी कादे शरीर पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन फिर जी उठा, उसी के जरिए तू हमें अपना पाक और जिंदगी देने वाला रूह इनायत करता है, ताकि हम तेरे बच्चे ठहरे और तेरी वही मखलूकात के पहले पल हो। आए आसमानी बाप, अपने बेटे हमारे मंजी यीशु मसीह के जरिए हमारी हमदोदारी कबूल फरमा, हमें जो उसके नमूने की पैरवी करते और उसके हुक्म को मानते हैं, यह बख्श की तेरे रूह की कुवत से ये रोजी और मैं किए नियमते हमारे लिए उसी का बदन और खून हो जो हमारे वास्ते हुआ और फिर जी उठा। For in the same night that Jesus was betrayed, he took bread and after giving thanks, he broke it, gave it to his disciples and said, Take, eat, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. In the same way after supper, thou wast take the cup, and having given thanks, thou wast give it to thy disciples and said, Drink this all of you,
for this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. Therefore, Heavenly Father, in remembrance of him, we celebrate this bread and this cup. We celebrate and proclaim his perfect sacrifice made once for all upon the cross, his resurrection from the dead, and his ascension into heaven. And we look for his coming in glory. Christ is I, Christ is risen, Christ shall come again. Let us all humbly pray together, accept through him, our great high priest, this our sacrifice of thanks and praise. And as we eat and drink these holy gifts in the presence of your divine majesty, unite us by your spirit, inspire us with your love, and unite us in the body of your Son, Jesus Christ our Lord, with him and in him and through him, by the power of the Holy Spirit, with all who stand before you in earth and heaven, we worship you, Father Almighty, in songs of everlasting praise. Blessing and honor and glory and power be yours forever and ever. Amen. As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. आइए हम सब अपने सरों को खुदा के हजूर झुकाएं और खामोशी में अपने खुदा के सामने अपने दिलों को खोल दें। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम सब दुआएं सराई करें। आई रहीम खुदावन, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह गुण और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वह खुदावन है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदावन, यह बात कि हम तेरे अजीज बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस दौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह आलूदा बदन और वहीं उसके बेशकीमती बदन और खून से धोई जाएं और हम उसमें और वह हमें हमेशा बसे। आमीन। Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Jesus, Lamb of God, have mercy on us. सब मिलकर प्रार्थना करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के बदन और खून की रूहानी आजाद से सेव किया है। हम उसी के वसीले से अपने आप को जिंदा कुर्बानी होने के लिए तेरी नजर करते हैं। यह बख्श कि हम तेरे रूह की कुवत से मामूर होकर यहाँ से रुखसत हों और अपनी जिंदगी और खिदमत से हर वक्त तेरा जलाल जाहिर करें। आमीन। The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ, our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us
always. Amen. 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 Go in peace to love and serve the Lord. In the name of we will all rise up and sing.